Hello dear friends, welcome to Exam Sitter 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste your time, let's start the video. A very good morning my dear students, this is Priya. And today's our new topic is transformation of tenses. Generally, you have to know कि जो transformation of tenses है हमारे paper में कितने प्रकार से आता है. तो transformation of tenses हमारे paper में generally आते हैं कितने type से? Two types से आते हैं. First आता है based on tenses. कुछ ऐसे sentences आते हैं जो आपको tense wise change करने होते हैं, जैसे कि आप example में देख सकते हो. आपके पास एक sentence है, I will be writing my exam this time tomorrow. इस sentence को change into past continuous tense. आपको sentence किसी tense में दिया था और कह रहा है इसे past continuous में convert करो. तो एक तरीका तो ये होता है. एंड दूसरा तरीका होता है कि given sentence को आप किसी form में change करो. Just like we have an example, She called her mother every day. अब इस सेंटेंस को आपको किसी अदर टेंस में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि ये जिस टेंस में है उसी टेंस का नेगेटिव बनाना है. तो जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन फॉर्म, सेकेंड होता है बेस्ड ऑफ टेंसेस. तो यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आपको छोटी सी स्ट्रक्चर टेबल पर ध्यान देना होगा. सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट टेंस स्ट्रक्चर टेबल. सो जनरली आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे स्टूडेंट्स कि आप किसी भी सेंटेंस को किसी अनदर टेंस या फिर फॉर्म में कन्वर्ट यदि करना चाहते हैं तो दो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती है. फर्स्ट होती है कि आपको सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब, आपको अगर हेल्पिंग वर्ब भी पता नहीं है तब सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करोगे? वही तो आइडेंटिफाई करता है कि सेंटेंस कौन सी टेंस में है या फिर कौन सी अनदर टेंस में हम चेंज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग होती है कि किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी मेन वर्ब पर ध्यान देना होता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होना है. तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का फॉर्म. तो उन्हीं से रिलेटेड हमारी आज की टेंस स्ट्रक्चर टेबल है जिसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब शो किए हैं. तो यह स्ट्रक्चर टेबल लर्न करना बहुत ईजी होता है. हम अपने ट्रिकी वे पे जाकर स्ट्रक्चर टेबल को क्या करने वाले हैं, लर्न कर. तो सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं. जनरली आप देखेंगे कि जब भी हम किसी, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो क्या हो, फ्यूचर हो, किसी भी टेंस का यदि हम कंटिन्यूस पार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. तो किसी भी टेंस की कंटिन्यूस में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है. अगर हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस का परफेक्ट सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. एंड यदि हम किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. सिमिलरली आप नोटिस कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूस पार्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस पार्ट होता है, दोनों के दोनों में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है. तो इन्हें लर्न करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना. चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें भी वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. ऑलराइट, तो ये हुई बात कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस की. अब आप किसी भी टेंस का यदि परफेक्ट पार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें सिमिलरली वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है. तो इसे भी याद कर लीजिए. अब इसको लर्न करने की ट्रिक भी अभी हम क्लियर करेंगे. तो अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि किसी भी टेंस का अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? थर्ड फॉर्म यूज़ होगा. ऑलराइट, नाउ कमिंग फॉर इनडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं. तो यदि आप प्रेजेंट इनडेफिनिट या फिर फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है. लेकिन अगर आपका सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट में है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ किया जाता है एंड सेकेंड फॉर्म भी यूज़ किया जाता है. अब ये कैसे? तो देखो, अगर आप पास्ट इनडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो, कैसा सेंटेंस बना रहे हो? पॉजिटिव, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे. लेकिन मैंने क्या बताया कि जैसे अगर आप सेंटेंस कैसा बना रहे हो बेटा, पॉजिटिव बना रहे हो, तो पॉजिटिव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है. लेकिन अगर आप सेंटेंस कैसा बना रहे हो, निगेटिव बना रहे हो, तो निगेटिव बनाते टाइम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम सिंपल पास्ट बनाते हैं ना तो उसमें पॉजिटिव जब हम क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है. लेकिन जब आप उसे निगेटिव इंटरोगेटिव फिर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों फॉर्म को ही क्या किया है, कॉमन लिया है.
तो अब हम फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर लर्न करते हैं। आप चाहें तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के फॉर्म में भी इन्हें लर्न कर सकते हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेंस वाइज लर्न करना चाहो, जैसे पहले प्रेजेंट के चारों फॉर्म, तो देखो V1, V1, V3, V1 क्या होता है हमारा फॉर्म V1, V1, V3, V1। सेम पार्ट होता है फ्यूचर का V1, V1, V3, V1। ऑलराइट, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो हमें लर्न होंगे ना। V1, V1, V3, V1 का मतलब इंडेफिनिट में भी V1 लगेगा, कंटिन्यूस में भी V1 लगेगा। परफेक्ट क्योंकि थर्ड नंबर पे आता है इसलिए इसमें 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर का हुआ ना V1, V1, V3, V1। पास्ट का पास्ट टेंस में आते हैं तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसमें आप जनरली V2 को लर्न रखो, क्योंकि इकट्ठा लर्न करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो पास्ट टेंस में होता है V2, V1, V3, V1 क्या होता है V2, V1, V3, V1। लेट्स अब एक साथ हम करते हैं। सो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है V1, V1, V3, V1, फ्यूचर टेंस में होता है V1, V1, V3, V1, एंड पास्ट टेंस में होता है V2, V1, V3, V1। ऑलराइट, तो ये थे हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ कमिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू ऑब्लिक डज। जो डू होता है वो प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है, जो डज होता है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की टू हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टू हेल्पिंग वर्ब होती है हैज ऑब्लिक हैव, एंड जो परफेक्ट की होती है वही परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐड हो जाती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हो गई हमारी हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। ऑल राइट, कमिंग फॉर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट की ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की टू हेल्पिंग वर्ब होती है वाज ऑब्लिक वर, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बीन। फ्यूचर टेंस सिमिलर होता है, फ्यूचर टेंस का आप चाहे इंडेफिनिट बनाओ, चाहे कंटिन्यूस बनाओ, चाहे परफेक्ट बनाओ, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओ, चारों फॉर्म में ही आपको विल ऑब्लिक शैल हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। तो फ्यूचर टेंस के लिए तो आप जनरली इसे लर्न ही कर लो, विल ऑब्लिक शैल। बस इसमें चेंजेस क्या आता है, जब आप इंडेफिनिट बनाओगे तो इसमें सिर्फ विल ऑब्लिक शैल यूज़ होगा, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यूस में यूज़ करोगे तो विल ऑब्लिक शैल के साथ बी यूज़ होगा। जब आप फ्यूचर का परफेक्ट पार्ट क्रिएट करोगे तो विल ऑब्लिक शैल के साथ हैव लग जाएगा, एंड जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लर्न करोगे तो उसमें विल ऑब्लिक शैल के साथ हैव प्लस बीन भी यूज हो जाता है। गॉट इट ना, तो अब हम इसे एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हम टेंस वाइज रिवाइज करते हैं। ऑलराइट, जैसे प्रेजेंट टेंस के आपको पार्ट रिद्म याद रखने हैं, पहले इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट एंड फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि रिद्म याद रखोगे तो पता रहेगा कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे। तो प्रेजेंट टेंस डू डज इज एम आर हैज हैव हैज हैव बीन। ऑलराइट, पास्ट टेंस की डिड वाज ऑब्लिक वर हैड एंड हैड बीन। फ्यूचर टेंस में विल शैल बी विल शैल हैव एंड विल शैल हैव बीन। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। एक बात और कि देखिए, आप किसी भी टेंस का अगर कंटिन्यूस फॉर्म का सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको उसमें कॉमन चीज़ मिलेगी, आपको B1 के साथ ING देखने को मिलता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो। ऑलराइट, और जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते तो उसमें भी B1 के साथ ING आपको देखने को मिलता है। तो ये सिमिलर सी चीज़ें हैं, इन्हें आप माइंड में ज़रूर रखें। वन मोर थिंग कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब भी पॉजिटिव फॉर्म क्रिएट करेंगे, कौन सा फॉर्म बनाओगे, पॉजिटिव फॉर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो जब भी आप पॉजिटिव फॉर्म क्रिएट करोगे तो वर्ब V1 के साथ आपका क्या यूज़ होता है, एस ऑब्लिक ES। अब इसकी क्या कंडीशन होती है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ES लगाते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या ES नहीं लगाते हैं। सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें आप पॉजिटिव के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप उसे नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा फिर, फर्स्ट। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर टेबल। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब हम सेंटेंस को यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले हैं किसी अदर टेंस पर या फिर किसी अदर फॉर्म पर। सो वी हैव एन मेनी एग्जाम्पल्स हियर। फर्स्ट सेंटेंस इज आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ या फिर मैं यह जानती हूँ।
इसे चेंज करना है चेंज इनटू सिंपल पास्ट. इस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है. लेकिन अगर आप सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब पता होनी चाहिए. तो जनरली जो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपको सेंटेंस गिवन है, जो सेंटेंस दिया गया है, वो कैसा है. वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है कि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है. तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं लिखा, मतलब वो निगेटिव तो नहीं है. क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, मतलब वो इंटरोगेटिव भी नहीं है और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव भी नहीं है. जब तीनों नहीं है, इसका मतलब कि जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है. कैसा है? पॉजिटिव है. ऑल राइट ना, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है. तो जब हम इसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट आई. ठीक है, आई के बाद अब क्योंकि सिंपल पास्ट का जो पॉजिटिव होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है पॉजिटिव में, तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना होता है. तो इस सेंटेंस में ढूंढो हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या थी. तो आई था हमारा सब्जेक्ट, नो था हमारा वर्ब, एंड जो दिस था वो था हमारा ऑब्जेक्ट. बस अब इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में बेस्ड कर दो. तो सब्जेक्ट रखा हमने आई, आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू. एंड ऑब्जेक्ट तो चेंज होता ही नहीं है, तो ये यही का यही आ गया. तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हुआ, आई न्यू दिस, में यह जानता था या फिर मैं यह जानती थी. ऑल राइट, और सेकेंड सेंटेंस आई एम लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो, इसे चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. तो सबसे पहले ये पता करो कि जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस में है. तो आई एम लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो, ये जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब, आपको सेंटेंस पता है किसे चलता है कौन से टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से. तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी क्या? एम. अब एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? हमने स्ट्रक्चर टेबल पर लर्न किया था ना, तो जो एम होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि उसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होती थी, इज, एम, आर. तो जो एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है. अब कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी लगता था, तो दोनों आइडेंटिफिकेशन हमें मिल गई ना. फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस, अब वो भी कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आई एन जी, तो आई का ही ऑब्वियसली. मतलब यदि आपको कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस में और उसे किसी अनदर टेंस की कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है. क्यों? आपको सिर्फ ना हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होगी, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा. तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? विल लगती है या शैल लगती है? तो जनरली तो टू हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल, शैल, और उसके साथ क्या लगता है? बी लगता है. लेकिन जो आई है, जनरली हम जब टेंस क्लास वाइज पढ़ते हैं तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? शैल. शैल के साथ क्या यूज करते हैं हम? बी यूज करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस है. इसके बाद सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा सेम आ जाएगा. तो हमारा हो जाएगा लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो. Leaving for England tomorrow, है ना? मतलब I shall be leaving for England tomorrow. हम कल England के लिए चले जाएंगे, फिर हम कल England के लिए जा रहे होंगे. ठीक है, हमारा next sentence है She did not want to go. वह नहीं जाना चाहती थी. तो sentence सबसे पहले बताओ कौन से form में है? तो not लगा है, मतलब ये negative form में है. अब इसे change कहाँ करना है? सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है. कौन से फॉर्म में चेंज करना है? सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है. तो सिंपल प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म बनाओगे? अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है ना, तो जिस टेंस में भी आपको चेंज करना है उस टेंस का भी आप निगेटिव फॉर्म ही बनाओगे. तो ये निगेटिव था तो सिंपल प्रेजेंट का भी निगेटिव बनाना है. अब यदि आप सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो उसमें टू हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है डू, सेकेंड होती है डज. अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डू डज लगेगा, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू लगेगा. अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो जो जनरली हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं. कुछ सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट. अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या क्या आ जाता है? जैसे क्या आ जाता है हमारा ही, शी, इट, या फिर किसी भी पर्सन का नेम. ठीक है,
एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या आ जाता है, जैसे आई आ गया, वी आ गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल राइट ना, तो जो सी है वो हमारा कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को पुट कर दीजिए, तो हमने रखा एज इट इज सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज। ठीक है, हाँ। अब निगेटिव था तो अब पूरी कहानी सेम टू सेम, नॉट वॉन्ट टू गो, शी डज नॉट वॉन्ट टू गो, वे नहीं जाना चाहती थी, सॉरी नहीं जाना चाहती है। नेक्स्ट है ही विल बी वेटिंग फॉर अस, वह हमारा वेट कर रहे होंगे। अब इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बहुत ईजी है ना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है एंड सेंटेंस पूरा का पूरा सेम रहेगा। ऐसा क्यों, मैंने बताया था जब भी कभी आपको फॉर्म सेम मिल जाए, जैसे जो गिवन सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में है, कैसे पता, एक तो विल के साथ बी लगा है एंड सेकेंड आई एन जी लगा है, तो ये कंटिन्यूअस में है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसमें भी वर्ब वन आई एन जी लगता है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी सेंटेंस हमारा सेम टू सेम होगा। तो हो जाएगा ही, अब ही के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इट्स, एम और आर। तो इट्स, एम, आर में से ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यूज होगी इट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होती है, अगर आई आता है तो उसके साथ एम लगाते हैं। तो ही इज, अब पूरा का पूरा सेंटेंस सेम का सेम आ जाएगा, ही इज वेटिंग फॉर अस, वह हमारा वेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। वह लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जिससे मान लीजिए हमारे पास है शी हैड टॉलरेटेड, वह टॉलरेटेड है, सो मतलब टॉलरेटेड हो चुकी थी। इसे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, बहुत इजी है ना। कैसे चेंज करेंगे, बस जनरली यहाँ ये सेंटेंस हैड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती थी, पास्ट परफेक्ट की, तो बस ये ऑलरेडी परफेक्ट में है, हमें भी परफेक्ट में चेंज करना है। तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब टू होती थी, एक होती थी हैज, दूसरी होती थी हैव। तो जो हैज है वो सिंगुलर के साथ यूज होती थी और हैड प्लूरल के साथ, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, सी के साथ लगेगा हैव, तो शी हैव, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है, तुम्हारा हो गया शी हैव टॉलरेटेड। ऑलराइट ना, अभी तक हमें सारे सेंटेंसेस सेम ही मिले हैं। ठीक है, वन लास्ट सेंटेंस यदि आप लोग देखना चाहो तो ये 8 नंबर हम देख सकते हैं, सेंटेंस है दे हैव नॉट टॉट अबाउट दैट, उन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है ना। सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, कहाँ कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्यूचर में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दो, जो आपका गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, देखो तो हैव लगा है, मतलब ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। हेल्पिंग वर्ब से पता चला, हमने पढ़ा था ना हैज और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब परफेक्ट है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन सिंपल फ्यूचर में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक शैल। तो दे के साथ क्या लगता है, आपको पता होगा आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अब सेंटेंस निगेटिव था तो आपको इसे भी चेंज करते टाइम कैसा बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो शी विल नॉट। अब थॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो थॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है थिंक, क्या होता है, थिंक। अब आगे की कहानी हमारी सेम रहेगी अबाउट दैट, ठीक है, हमारा सेंटेंस हुआ दे विल नॉट थिंक अबाउट दैट। तो जनरली गाइस इस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यह होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बेस्ड है टेंस पर, बेस्ड ऑन फॉर्म। अब कुछ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फॉर्म पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसे या तो पॉजिटिव बनाना है, या तो नेगेटिव बनाना है, या तो इंटरोगेटिव बनाना है, या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर और देखेंगे। हमारा सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। सबसे पहले आपको ये जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना होता है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो अब आपको पता होगा पूरे टेंस में हमारे ओनली कितने टेंसेस होते हैं, हमारे ऐसे ओनली 2 टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें जब हम कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो उनके पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, एंड सेकेंड होता है हमारा सिंपल पास्ट। ऑलराइट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल
पास्ट, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये या तो सिंपल प्रेजेंट है या तो सिंपल पास्ट। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर टेबल में कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस मिलेगा। तो देखिए इसमें वर्ब का एस या ई एस है। पास्ट होता तो यहाँ पर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलता, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा है, मतलब इसे बना दीजिए सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव। ये हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डस लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पुट करना है हमारा सब्जेक्ट शी, सी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डज लगेगी। तो डज हुआ, हमारा सेंटेंस निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगी। इसके बाद हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको पता होगा जब हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एस ए एस हट जाता है। तो यहाँ पर ओनली आएगा सिंग एंड यहाँ पर आ जाएगा ए सॉन्ग। तो वह हमारा सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। Got it? Second, I do my work. मैं अपना काम करता हूँ। इससे भी negative बनाना है। सबसे पहले find out करो sentence कौन से tense में है। तो हमारा sentence इसमें भी कोई helping verb नहीं है। Helping verb पता है ना क्या क्या होती है? जैसे do, does, did, is, am, are, has, have, had, will, shall have been, है ना, ये होते हैं। अब आप कहोगे मैम इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है डू, तो आप देख लो बेटा हेल्पिंग वर्ब सिंगल कभी नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो आपको नॉट देखने मिलेगा, अगर नॉट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में देखने मिलेगी या फिर उसके साथ नॉट होगा। हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगल आएगी तो वो सबसे आगे होगी सब्जेक्ट के भी, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगा है मतलब वो हेल्पिंग नहीं बल्कि वो आपकी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है आपकी डू। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब ये टेंस हमारा सिंपल पास्ट नहीं बल्कि कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट ही है। तो इसे हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले पुट करेंगे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी डू और नॉट। देखा हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ आई ना। अब हमें हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, तो डू का फर्स्ट फॉर्म तो डू ही होता है, तो डू एंड फिर हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड नॉट डिफीटेड हिम, तुमने उसे डिफीट नहीं किया था या फिर तुम उसे डिफीट नहीं कर चुके थे। इसे बनाना है इंटरोगेटिव। अब आपको पता होने चाहिए किसी भी टेंस के सेंटेंस को अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? देखो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले पुट कर दीजिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें रखना होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब क्योंकि हमारा सेंटेंस देखो ये हैड नॉट था लेकिन हमें इंटरोगेटिव बस बनाना है, हमें इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं बनाना। तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई सब्जेक्ट पीछे। अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो नॉट इससे क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो हैड यू के बाद डायरेक्टली हमारी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड यू डिफीटेड हिम, क्या तुमने उसे डिफीट किया? और कोई इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। शी कॉल्ड हर मदर एवरी डे, इसे भी इंटरोगेटिव बनाना है। तो सब अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिख रही, मतलब ये या तो सिंपल प्रेजेंट है या तो सिंपल पास्ट। अब वर्ब के साथ ईडी लगा है मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। अब सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एक ही तो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो वो भी इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्योंकि जब सिंपल पास्ट के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? फर्स्ट। तो कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कॉल। तो डिड शी कॉल हर मदर एवरी डे, क्या वह हर दिन अपनी माँ को कॉल करती थी? ये हुआ हमारा सेंटेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, इसे आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो पास्ट। अब हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी है, बस उसके साथ नॉट लगाना है, लेकिन इंटरोगेटिव भी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले लाना होगा। इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आए। अब क्योंकि इंटरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ पुट किया हमने नॉट। नॉट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा
सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है हमारा द ओल्ड मैन। के बाद आ जाएगी हमारी वर्ब जो कि क्या है सिटिंग, और फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट जो भी पार्ट बचा है अंडर द ट्री। ये हो गया हमारा सेंटेंस करेक्शन। इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक सेंटेंस है हमारे पास शैल वी डांस, क्या हम डांस करेंगे। तो ये सेंटेंस देखो क्वेश्चन लगा है, मतलब ये इंटरोगेटिव है और इसे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद हमें क्या बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम अपनी मेन वर्ब रख देंगे। ये हो गया हमारा सेंटेंस क्रिएट। वी शैल डांस, जैसे यहाँ है शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, इससे पॉजिटिव, तो बस इसमें क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हटा देंगे, हमारा सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जाएगा शी डू हर ड्यूटी। अच्छा आप बताइए मुझे क्या ये सेंटेंस सही है, इज दिस राइट और रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, वाई क्यों, सॉरी हाँ रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें डिड नॉट लगा था, क्या लगा था डिड नॉट, डिड नॉट लगा था, मतलब ये पास्ट टेंस का है और सिंपल पास्ट का जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो हमारी वर्ब थी डू, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है डिड होता है। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है, शी डिड हर ड्यूटी। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम फॉर्म वाइज सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं।